हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफानाइट मूवी की। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। वेल, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब इंफानाइट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने सभी पिछले जन्मों की मेमोरी याद है। उन्हें इंफानाइट कहा जाता था। उनके पास गॉड गिफ्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी। इंफानाइट में भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप बिलीवर्स का था, उनके लिए इंफानाइट होना एक वरदान था और वो अपनी नॉलेज से इंसानियत की हिफाजत करना चाहते थे। पर बिलीवर्स के ऑपोजिट में नाहिलिस्ट का ग्रुप था, जिनके लिए इंफानाइट होना एक श्राप था। नई टेक्नोलॉजी की वजह से नाहिलिस्ट के पास एक अच्छा मौका था, जिससे वो पूरी दुनिया को बड़ी आसानी से तबाह कर सकते थे। और इसी वजह से बिलीवर्स और नाहिलिस्ट के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। अब कहानी शुरू होती है मैक्सिको से, जहां एक बंदा रेड फेरारी कार में कुछ लोगों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका नाम डिलन था और पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई थी। डिलन के पेट पर एक जख्म का निशान था, जिसे वो ठीक कर रहा था। यहाँ एक दूसरी कार भी थी, जिसमें एडम और सोफी नाम के डिलन के फ्रेंड थे। डिलन एडम और सोफी से कहता है कि मुझे वो चीज मिल गई है और वो अभी मेरे पास है। दरअसल वो चीज एक खास अंडा था और डिलन किसी से वो अंडा चुरा कर वहां से भाग रहा था। डिलन एडम से कहता है कि मैं एक शॉर्टकट से फ्रीवे पर आ रहा हूँ, तो तुम और सोफी मुझे वहां पर मिलो। अब डिलन टनल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। पुलिस भी डिलन की कार पर गोलियां चला रही थी, पर डिलन उन्हें चकमा देकर आगे निकल जाता है। वही टनल में एक्सीडेंट की वजह से सभी पुलिस कार वहां पर फंस जाती है। डिलन भी उस टनल से बाहर आ चुका था। एडम और सोफी भी डिलन के बताए रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही डिलन देखता है कि पुलिस ने मेन हाईवे उसे पकड़ने के लिए ब्लॉक कर दिया था, तो डिलन वहां से दूसरे रोड पर आ जाता है। डिलन जानता था कि शायद उसका बच पाना अब नामुमकिन है, तो एडम से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अंदर देखना। अब डिलन जिस रोड पर आगे बढ़ रहा था वो अंदर कंस्ट्रक्शन था, तो आगे 50 फीट की गैप थी। पर यहाँ डिलन अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से फुल स्पीड में आगे बढ़ रही फेरारी कार से जंप लगाता है। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक खास स्वॉर्ड थी। डिलन उसी स्वॉर्ड की मदद से रोड के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। डिलन तो बच गया था, लेकिन एक ट्रक फुल स्पीड में सोफी और एडम की कार से टकराती है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। फिर भी सोफी और एडम को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पर यहाँ उसी ट्रक से एक शख्स बाहर आता है, जिसके पास शॉटगन थी। बाहर खड़े उस शख्स को देखकर सोफी और एडम भी समझ गए थे कि अब उनका मरना तय है। सोफी एडम से कहते है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब उसी वक्त वो शख्स उस कार पर गोली चलाता है, जिससे कार एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसी धमाके में जलकर सोफी और एडम मारे जाते। डिलन भी ऊपर से यह सब देख रहा था। अब उसी वक्त एक शख्स नींद से जागता है। उसका नाम इवान था और यह सब इवान ने अपने सपने में देखा था। इवान को बचपन से ही ऐसे सपने आते थे, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता था, और इसीलिए इवान एक खास टेबलेट लेता था, जिससे वो ठीक से आराम कर सके। इवान भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे थे। वही इवान की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इवान के पास घर के रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। वही वो टैबलेट भी अब खत्म होने को आई थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि इवान एक स्वॉर्ड बना रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि इवान ब्लैकस्मिथ नहीं था और आज से पहले उसने कोई स्वॉर्ड नहीं बनाई थी। वही इवान के पास उसका कोई नॉलेज भी नहीं था, फिर भी इवान आसानी से स्टेप बाय स्टेप स्वॉर्ड बना रहा था। यहाँ उसे विजन भी आते है कि जैसे यह स्वॉर्ड वो नहीं पर कोई दूसरा शख्स बना रहा है। यहाँ इवान ने वो स्वॉर्ड बना ली थी। अब इवान वो स्वॉर्ड लेकर रोनी नाम के बंदे के पास आता है। रोनी एक गैंगस्टर था और उसी ने इवान से कहा था कि वो एक खास स्वॉर्ड उसके लिए लेकर। वेल, इवान की बनाई स्वॉर्ड देखकर रोनी खुश हो जाता है। वही इवान को इस स्वॉर्ड के बदले रोनी वह खास टैबलेट देने वाला था, जो इवान यूज करता था। दरअसल वो टैबलेट एक खास ड्रग से बनी थी और सिर्फ रोनी के पास वो टैबलेट थी। रोनी भी इवान से पूछता है कि इतने कम वक्त में तुमने यह स्वॉर्ड कैसे बना ली, तो इवान कहता है कि मुझे भी नहीं पता, ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड बनाने में कोई मेरी मदद कर रहा था। अब रोनी का एक बंदा टैबलेट का पैकेट इवान को दे रहा था। पैकेट में 60 टैबलेट होनी चाहिए थी। यहाँ इवान पैकेट को टच किए बगैर ही उसे कहता है कि पैकेट में सिर्फ 55 टैबलेट है। इवान कहता है कि मुझे दिल के मुताबिक कंप्लीट 60 टैबलेट चाहिए।
रॉनी इवान से कहता है कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही टैबलेट है, तो चुपचाप टैबलेट लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ इवान भी रॉनी से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, यह टैबलेट मेरे लिए जरूरी है। पर रॉनी इवान की बातों को नजरअंदाज कर रहा था, जिससे इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉनी पर हमला करता है। इवान रॉनी से वो स्वॉर्ड छीन लेता है, वही वो टैबलेट और स्वॉर्ड लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब रॉनी और उसके आदमी भी इवान पर गोलियां चलाने लगते है, पर फिर भी इवान वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है। पर आगे पुलिस इवान को घेर लेती है, तो इवान उनसे बचते हुए एक बिल्डिंग पर आ जाता है। यहाँ इवान को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि जैसे वो एक बर्फीले पहाड़ पर था और वहाँ से नीचे गिरने वाला था। अब इवान भी उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगाता है और वो नीचे खड़ी एक कार पर आकर गिरता है। वेल यहाँ भी पुलिस आ जाती है और वो इवान को पकड़ लेते है। अब इवान की और उस स्वॉर्ड की डिटेल पुलिस रिकॉर्ड में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टॉम नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया गया है। टॉम को भी पुलिस रिकॉर्ड से इवान की बनाई स्वॉर्ड की डिटेल मिलती है और स्वॉर्ड की बनावट देखकर टॉम को भी यही लग रहा था कि ऐसी स्वॉर्ड सिर्फ डिलन ही बना सकता है। यानी कि टॉम का मानना था कि इवान जरूर डिलन का नया अवतार है। तो टॉम नोरा नाम की लड़की को इवान की और डिटेल लाने के लिए कहता है। टॉम नोरा से यह भी कहता है कि तुम बॉब से सावधान रहना, क्योंकि वो नाइलिस्ट ग्रुप का लीडर है और अगर उसे भी पता चल गया कि इवान ही डिलन का नया अवतार है तो वो भी उसके पीछे लग जाएगा। वही दूसरी ओर पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में एक शख्स इवान से मिलने आता है। उस शख्स के पास इवान की स्वॉर्ड भी थी, वो शख्स पुलिस वाला नहीं था। वही वो इवान से काफी पूछताछ करता है, लेकिन इवान के पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। वो शख्स इवान से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, कि तुम्हें बचपन से ही अजीब विजन आते और उसी वजह से तुमने परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिससे इवान को काफी चोट लगी थी और इसी वजह से इवान के सिर के पीछे मेटल प्लेट गई गई थी और सिर्फ वो टैबलेट ही इवान के अजीब विजन को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ वो शख्स इवान को वो टैबलेट देता है। वो शख्स जानता था कि इवान को हर वक्त अजीब विजन आते थे, जिसकी वजह से वह काफी परेशान था। अब वो शख्स इवान के सामने कुछ चीजें रखता है और इवान से पूछता है कि क्या तुम इनमें से किसी चीज के बारे में जानते हो। पर इवान ने यह सभी चीजें पहली बार देखी थी, तो वह इनके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब यह देखकर उस शख्स को इवान पर गुस्सा आता है। वो एक गन निकालकर इवान से कहता है कि इन सभी चीजों को छूकर महसूस करो। अब यहाँ इवान एक चीज को छूता है तो उसे विजन आता है, जिसमें दो आदिवासी लोग आपस में लड़ रहे थे। अब यह सब देखकर वो शख्स बहुत खुश हो जाता है। पर वो शख्स इवान से और कोई जानकारी ले सके उससे पहले एक कार सीधा इंटरोगेशन रूम में आ जाती है। उसमें नोरा थी। नोरा उस शख्स पर गोलियां चलाने लगती है, पर वो शख्स वहां से भाग जाता है। अब नोरा इवान को कार में अपने साथ लेकर वहां से निकलती है, लेकिन बाहर ठीक उसके सामने वो शख्स एक ट्रक लेकर खड़ा था। यहां से नोरा इवान को कार ड्राइव करने के लिए कहती है। वो शख्स नोरा की कार पर गोलियां चला रहा था, पर कार बुलेट प्रूफ थी। अब उस शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए नोरा रास्ते पर एक स्पेशल बॉम्ब डालती है, जिससे वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अब धमाके की वजह से पूरा रास्ता डैमेज हो चुका था, जिससे उस शख्स की ट्रक भी नीचे गिर जाती है। उसकी ट्रक पलट चुकी थी। वो शख्स उस ट्रक से बाहर आता है, पर तब तक इवान और नोरा वहां से निकल चुके थे। रास्ते में इवान नोरा से पूछता है कि वो शख्स कौन था, तो नोरा कहती है कि उसका नाम बॉब है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। पर इवान आज तक बॉब से नहीं मिला था और वो सारी सच्चाई जानना चाहता था। तो नोरा इवान से कहते है कि जल्द ही तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। नोरा इवान को एक जगह पर लेकर आती है, वहाँ पर एक प्राइवेट जेट भी था। नोरा इवान से कहते है कि तुम जो विजन देखते हो वो एक सपना या भ्रम नहीं पर हकीकत है। वो सब तुम्हारे सभी पिछले जन्म की यादें है। वही तुम जो अलग अलग भाषाएं जानते हो, वही किसी भी हथियार को आसानी से बना सकते हो, वो सब तुम अपने पिछले जन्म कर चुके हो। नोरा इवान से कहते है कि अगर तुम अपने सभी प्रश्नों के जवाब चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आखिर नोरा और इवान प्राइवेट जेट से वहां से निकलते हैं। दूसरी ओर एक लड़की बॉब के पास आकर उसे कहते है कि नोरा इवान को लेकर यहां से चली गई है। यह सुनकर बॉब उस लड़की से कहता है कि तुम किसी तरह उन दोनों को ढूंढ निकालो। यहां बॉब भी वह खास अंडा ढूंढ रहा था। जेट में भी नोरा इवान से कहते है कि हम सब इंफाइनाइट से और हम बिलीवर्स है, हम इंसानियत की रक्षा करना चाहते। जबकि बॉब बिलीवर्स के ऑपोजिट
ग्रुप नाहिलिस्ट का लीडर है और वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। अब नोरा इवान को एक जगह पर लेकर आती है, उस खास जगह को द हब कहा जाता था और सारे अच्छे इंफानाइट्स वहाँ पर रहते थे। वहाँ जिनी नाम की लड़की कुछ इंफानाइट्स को युद्ध की तालीम दे रही थी, वही वहाँ पर ली नाम का शख्स भी था। वो सब इवान के सामने सिल झुकाते, यह देखकर इवान चौंक जाता है। तब नोरा इवान से कहते है कि सब लोग जानते हैं कि तुम ही डिलन का अवतार हो और डिलन सभी इंफानाइट में सबसे पावरफुल था। नोरा इवान को डिलन के रूम में लेकर आती है, यहाँ वो सभी हथियार थे जो डिलन ने ही बनाए थे। वही इवान को वहाँ एक बुक में एक तस्वीर मिलती है जिसमें डिलन, एडम और सोफी थे। यह तस्वीर आइसलैंड पर खींची गई थी। वहाँ पर डिलन ने बर्फीले पहाड़ से नीचे गिरते हुए सोफी को बचाया था और उस बिल्डिंग पर इवान ने भी यही विजन देखा हुआ था। अब वहाँ पर गैरेट नाम की एक बूढ़ी औरत आती है, वो नोरा से कहती है कि अब हमें काम शुरू करना होगा। अब इवान को एक जगह पर खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। यहाँ बॉब की होलोग्राम इमेज दिखाई जाती है। नोरा इवान से कहती है कि बॉब हजारों सालों से डिलन के साथ काम करता था और वो भी एक नेक इंसान था, लेकिन पिछले 300 सालों से वो बुरा इंसान बन गया था। दरअसल बॉब मरकर भी बार बार जिंदा हो जाता था और इसी बात से वह काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो पूरी दुनिया तबाह करना चाहता था। बॉब ने एक खास अंडा बनाया था, उस अंडे में ऐसी पावर थी कि अगर वो अंडा पृथ्वी पर आ गिरा तो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसे पृथ्वी पर बसने वाले सारे जीव जंतु और इंसान नष्ट हो जाएंगे। बॉब का मानना था कि अगर सब लोग मारे जाएंगे तो कोई इंफानाइट दूसरा जन्म नहीं ले पाएगा। नोरा इवान से कहते हैं कि डिलन बॉब का इरादा समझ गया था, तो उसने बॉब की सीक्रेट लैब से वो अंडा चुरा लिया था। अब डिलन ने वो अंडा कहीं पर छिपा दिया था और सिर्फ वही जानता था कि वो अंडा कहाँ पर है। नोरा कहते हैं कि वो अंडा हमें बॉब से पहले ढूंढना होगा और उसमें सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। दूसरी ओर इवान कहाँ पर है यह जानने के लिए बॉब टॉम पर हमला करता है। बॉब टॉम को इवान के बारे में पूछ रहा था पर टॉम उसे कुछ नहीं बताता। आखिर में बॉब अपनी स्पेशल शॉटगन से टॉम पर गोली कर उसे मार देता है। वही द हब की लैब में इवान को डिलन की डेड बॉडी दिखाई जाती है और इवान डिलन का ही पुनर्जन्म का रूप था। इस लैब में मारे गए सभी इंफानाइट की डेड बॉडी रखी जाती थी। अब रात के वक्त इवान ली के पास आता है। ली इवान से कहता है कि बॉब के पास एक खास शॉटगन है और उस शॉटगन में जो गोली होती है उससे किसी भी इंफानाइट की आत्मा कैद की जा सकती है, जिससे वो इंफानाइट अगला जन्म नहीं ले पाएगा। वही इवान नोरा के कमरे में भी आता है। यहाँ भी नोरा के पिछले जन्म की कुछ तस्वीरें रखी गई थी। सभी तस्वीर में एक पुराने मंदिर की भी फोटो थी। नोरा इवान से कहते हैं कि वो और एडम हमेशा साथ रहते थे और जब दोनों मारे जाते थे तो वो पुनर्जन्म लेकर उसी मंदिर में मिलते थे, पर आखिरी बार जब वो दोनों मारे गए तो उनमें से सिर्फ नोरा ही पुनर्जन्म ले सकी, एडम का कुछ पता नहीं चला। यह सुनकर इवान नोरा से कहता है कि शायद एडम अब इंफानाइट नहीं रहा होगा, पर नोरा कहते है कि इंफानाइट कभी नहीं मरते, हर बार मरने के बाद वो दूसरा जन्म लेते। वेल यहाँ नोरा एडम के लिए वरीड थी। अब एक खास मशीन के जरिए इवान की मेमोरी वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ इवान को याद आता है कि डिलन के पास एक ब्रीफकेस थी और वो अंडा उसमें भी नहीं था। वहाँ डिलन के सामने भी एक शख्स था जो आखिर में डिलन को मार देता है। अब उस विजन में इवान भी नहीं देख पाया था कि आखिर वो अंडा डिलन ने कहाँ पर छुपाया था। गैरेक की भी यह इवान की मेमोरी वापस लाने की आखिरी कोशिश थी, अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वहाँ सब लोग परेशान थे। दूसरी ओर बॉब अपने घर आता है। यहाँ एक लॉकर में उसने सभी इंफानाइट की आत्माएं कैद करके रखी हुई थी। बॉब टॉम की आत्मा को भी एक लॉकर में रख देता है। बॉब अपने असिस्टेंट जेनी से कहता है कि हमें जल्द ही इवान को ढूंढ कर उसके जरिए वो अंडा पाना होगा, जिसे हम इस इंफानाइट के हिसाब से आजाद हो सके। यहाँ जेनी भी बॉब से कहते है कि हमने बिलीवर्स की लोकेशन ढूंढ ली है, वो सब द हब नाम की एक जगह पर रहते है। अब दूसरे दिन बॉब के कुछ लोग हब पर पहुंच जाते, वो लोग हब में मौजूद कई लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते। अब बॉब गैरेक के पास आता है। बॉब जानना चाहता था कि इवान इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन गैरेक उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर इवान, नोरा, जिनी और ली कुछ हथियार अपने साथ लेकर जेट से वहाँ से निकल चुके थे। वो सब लंदन में आते। यहाँ वो सब एक कैसिनो से किसी शख्स की लैब में आते। उस शख्स का नाम जेसन था और वो एक डॉक्टर था। नोरा भी जेसन को जानती थी। नोरा जेसन से कहती है कि मैं डिलन को अपने साथ लाई हूँ। यहाँ डिलन का नाम सुनकर जेसन खुश हो जाता है।
जेसन इवान के पास आता है और उसे कहता है कि डोंट वरी डिलन, मैं तुम्हारी मेमोरी वापस ला दूंगा। जेसन इवान को एक मशीन के पास लेकर आता है। जेसन इवान से कहता है कि जब हम मरते हैं तब हमारी पूरी जिंदगी की यादें हमारे सामने आ जाती है और यह मशीन भी इसी तरह काम करता है। वेल, यह मशीन में पानी था जिसमें इवान को रखा जाएगा और उसी पानी में इवान को डुबाया जाएगा। इसमें इवान की जान को खतरा ज्यादा था, पर इंसानियत को बचाने के लिए और अंडे की लोकेशन जानने के लिए यह रिस्क लेना जरूरी था, तो इवान इस काम के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर जेट को फॉलो करके बॉब भी लंदन में उस कैसीनो में आ चुका था। बॉब एक कैमरे से जेसन की लैब पर नजर रख रहा था। वही इवान भी उस मशीन में आ चुका था। जेसन भी उस मशीन में पानी डालना शुरू करता है। इवान का पूरा शरीर अब पानी में था और वो सांस ना ले पाने की वजह से तड़प रहा था, पर इवान को डिलन की उस दिन की मेमोरी याद आने लगती है। लेकिन इवान की दिल की धड़कन रुक जाती है। सब लोग इवान को उस मशीन से बाहर निकाल कर उसे होश में लाने की कोशिश करते है, लेकिन इवान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिससे सबको यही लगता है कि शायद इवान अब मर चुका है। लेकिन इवान के दिमाग में वह सारी यादें चल रही थी। वो देखता है कि डिलन ने अपने पेट पर वो गांव खुद बनाया था और फिर अपने गांव को ठीक भी कर दिया था। आखिर इवान को होश आ जाता है, उसे भी अब यकीन हो गया था कि वही डिलन है। ली इवान से पूछता है कि डिलन ने वो अंडा कहां पर रखा था, तो इवान कहता है कि डिलन यह जानता था कि मरने के बाद उसकी बॉडी हब में रखी जाएगी, तो उसने कार में ही अपने पेट पर एक कट किया और वो अंडा उसी जगह पर रख दिया, यानी कि वो अंडा डिलन की डेड बॉडी में था। वही बॉब भी अब यह जान चुका था कि वो अंडा हब में डिलन की बॉडी में है, तो वो अपने आदमियों को वहां पर जाने के लिए कहता है। वही नोरा और बाकी लोग भी हब की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर उसी वक्त जैनी एक गोली जिनी पर चलाती है और एक गोली इयान पर भी चलाती है। अब सब लोग वहां से बचते हुए निकलते है, लेकिन जिनी वहां पर मारी जाती है। वही उन्हें सीसीटीवी कैमरे में बॉब के सभी आदमी दिखाई देते। वो लोग जेसन की लैब में एक बॉम्ब प्लांट करते। अब यहां ली नोरा और इवान को वहां से निकलने के लिए कहता है और वो अकेला बॉब के आदमियों से मुकाबला करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। अब जेसन, नोरा और इवान वहां से निकलते हैं। अब बॉब के आदमी भी उस बॉम्ब ब्लास्ट से लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते, लेकिन ली वहां पर एक मशीन से उन सभी को मार देता है। वहां पर बॉब भी था। ली बॉब को भी मारना चाहता था, पर ली बॉब का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां बॉब आसानी से ली को नीचे गिरा देता है और अपनी स्पेशल शॉटगन से ली पर गोली चलाकर उसकी आत्मा कैद कर देता है। दूसरी ओर जेनी हब से डिलन की डेड बॉडी बाहर निकलकर उसे बॉब के सामने रखती है। वही दूसरी ओर इवान भी गोली लगने की वजह से घायल हो चुका था। इवान बेहोश था, तो नोरा जेसन को इवान के पास रुकने के लिए कहती है और वो बॉब को रोकने वहां से निकलती है। वही बॉब भी डिलन की डेड बॉडी प्लेन में लेकर जा रहा था। वो डिलन की डेड बॉडी से वो अंडा बाहर निकालता है। अंडा देखकर बॉब बहुत खुश हो जाता है। बॉब वो अंडा जीनी को देता है और उसे सही जगह पर रखने के लिए कहता है। दूसरी ओर इवान को भी होश आ गया था। वो जेसन से नोरा के बारे में पूछता है, तो जेसन उसे कहता है कि नोरा बॉब को रोकने गई है। यह सुनकर इवान भी नोरा की मदद करने वहां से निकलता है। वही बॉब ने खास बॉक्स तैयार किया था जिसमें अंडा रखकर उस बॉक्स से वह पूरी दुनिया तबाह करना चाहता था। बॉब और जीनी अभी स्कॉटलैंड में बॉब के घर में थे। उस वक्त नोरा को भी दिखाया गया है जो बॉब के घर से थोड़ा दूर एक स्नाइपर गन लेकर बैठी हुई थी। वो उस गन से बॉब पर निशान लगाती है, पर वो निशान चूक जाती है। यह देखकर बॉब भी समझ गया था कि उस पर किसी ने हमला किया है। तो बॉब नोरा को खत्म करने अपने स्पेशल ड्रोन भेजता है। सभी ड्रोन को बॉब उसी जगह से कंट्रोल कर सकता था। नोरा भी क्रॉसबो से एक ड्रोन पर रस्सी छोड़ती है और उस रस्सी से लटकते हुए वो एक जंगल में आकर गिरती है। दूसरी ओर बॉब के कुछ आदमी भी नोरा को खत्म करने के लिए उस जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते है। जंगल में नोरा बॉब के आदमियों से मुकाबला करती है और वो उन लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देती है। वही वहां पर बिलीवर्स का एक हेलीकॉप्टर भी आकर बॉब के सभी एडवांस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब बॉब भी एक ब्रीफकेस लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर इवान ने भी नोरा को ढूंढ लिया था। इवान नोरा को लेकर वहां से आगे बढ़ता है। वही बिलीवर्स का हेलीकॉप्टर जिसे जेसन चला रहा था वो भी बॉब के सभी आदमियों पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। वही बॉब भी उस अंडे को मशीन में रखता
सकता है। बॉब उस मशीन को एक्टिव करके उसे नीचे जमीन पर गिराने वाला था, जिससे दुनिया के सारे जीव मारे जाएंगे और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इवान और नोरा कार से बॉब के घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी जेनी बजूका से निशाना लगाकर उस कार को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहां नोरा घायल हो चुकी थी। इवान नोरा को कार से बाहर निकालता है। जेनी वहां कुछ लोगों को भेजती है, पर यहां नोरा और इवान मिलकर उन सभी लोगों को मार देते है। वही वो देखते है कि बॉब प्लान लेकर वहां से निकल चुका था। नोरा इवान से कहते है कि तुम मेरी चिंता मत करो और किसी तरह बॉब को रोक लो। अब इवान एक बाइक लेकर वहां से निकलता है। वही जेनी भी नोरा के सामने आ जाती है। यहां दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, पर आखिर में नोरा जेनी को मार देती है। वही जेसन भी हेलीकॉप्टर लेकर नोरा के पास आ चुका था। जेसन और नोरा बॉब के घर में आते है। यहां उन्हें वो लॉकर दिखाई देता है जिसमें बॉब ने सभी इंफानाइट की आत्मा को कैद करके रखा था। नोरा जेसन से कहती है कि हम उन सभी आत्माओं को इस कैद से आजाद कर देंगे। दूसरी ओर बॉब का प्लान उड़ान भर चुका था, पर वहां एक ऊंचे पहाड़ से इवान बाइक लेकर सीधा बॉब के प्लान पर आ जाता है और वो बाइक जाकर प्लान के टर्बुलेंस में लगती है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इवान भी प्लान से नीचे गिरने वाला था, पर इवान वो स्वॉर्ड प्लान में घुसा देता है और उसी स्वॉर्ड के जरिए वह नीचे गिरने से बच जाता है। अब इवान फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे प्लान पर खड़ा हो जाता है और यह सब बॉब प्लान के कैमरे से देख रहा था। आखिर इवान ने यहाँ डिलन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर पा ली थी। अब इवान प्लान के इमरजेंसी डोर के जरिए अंदर आ जाता है। वो मशीन भी वहीं पर थी। इवान उस मशीन को अपनी स्वॉर्ड से खोलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त बॉब पीछे से इवान के सिर में गोली चलाता है, जिससे इवान वहीं नीचे गिर जाता है। बॉब खुश था क्योंकि उसने शॉर्ट गन से आत्मा को कैद करने वाली गोली इवान पर चलाई थी। बॉब वहां से उस मशीन के पास आता है, पर उसी वक्त बॉब को इवान की आवाज सुनाई देती है। इवान बॉब से कहता है कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में एक मेटल प्लेट डाली गई थी, तो तुम्हारी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब यहाँ बॉब गुस्से में आकर इवान पर हमला करता है। यहाँ दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। उसी वक्त इवान भी शॉर्ट से मशीन से बंधी हुई रस्सियां काटने लगता है। वही प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और किसी भी वक्त वह प्लेन क्रैश हो सकता था। अब यहाँ बॉब खुद रस्सी काट कर उस मशीन को प्लेन से नीचे गिरा देता है। यह देखकर इवान प्लेन से जंप लगाता है। वो आसमान में उस गिर रहे मशीन के पास आकर उसे ओपन करने में लग जाता है। वहां पर बॉब भी आ जाता है। यह आसमान में भी दोनों के बीच जमकर मुकाबला शुरू होता है, पर आखिर में इवान मशीन का लॉक अपनी स्वॉर्ड से खोल देता है और उसमें से वो अंडा निकाल देता है। वहां पर बॉब भी इवान को रोकने की कोशिश करता है, पर इवान बॉब की शॉटगन छीन लेता है और उसी गन से वह बॉब के सिर पर गोली चलाता है। आखिर में बॉब की बनाई गोली में ही उसकी आत्मा कैद हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। वही वो मशीन भी नीचे समंदर में जाकर गिरती है। इवान भी उसी समंदर में आकर गिरता है। दूसरी ओर जेसन ने बॉब के लॉकर पर बॉम्ब लगा दिया था। नोरा जेसन को ट्रिगर उसे देकर वहां से चले जाने के लिए कहती है। जेसन के वहां से जाने के बाद नोरा वो ट्रिगर बटन दबा देती है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है, जिससे वह सभी आत्माएं आजाद हो जाती है। वेल नोरा भी धमाके से वहां पर मर चुकी थी। वही इवान भी समंदर की गहराई में चला गया था। अब नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को दिखाया गया है, जिसका जन्म बांग्लादेश में चल रहे तनाव वाले माहौल में हुआ था। वही उसी वक्त एक लड़की हॉस्पिटल में पैदा होती है। यह दोनों बच्चे बड़े होकर कुछ सालों के बाद मंदिर में मिलते हैं। आखिर में सोफी और एडम पुनर्जन्म के जरिए फिर से एक हो चुके थे। दूसरी ओर जकार्ता में एक लड़का दिखाया गया है जो अच्छी तलवारबाजी कर रहा था। वो अकेला वहां पर तीन लड़कों से मुकाबला कर रहा था। वहां पर जेसन भी था जो अब बूढ़ा हो चुका था। जेसन भी उस लड़के की तलवारबाजी देख रहा था। यहाँ वो लड़का उन तीनों लड़कों को हरा देता है। दरअसल वो लड़का डिलन और इवान का ही पुनर्जन्म का रूप था। वो लड़का अपने डैड के साथ वहां पर आया था। यहाँ जेसन उस लड़के के डैड को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर आपके बेटे को कोई अजीब विजन आने लगे तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना। अब जेसन उस लड़के को वही स्वॉर्ड देता है जो डिलन और इवान यूज करते थे। स्वॉर्ड पाकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और बस यही पर इंफिनाइट मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई इंफिनाइट मूवी को IMDB पर 5.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 16% एंड ऑडियंस स्कोर 39% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन से तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।